आलोचना तक तो ठीक है, लेकिन आलोचना उस लेवल की देशभक्ति पर सवाल खड़े करना, पाकिस्तान भेज देने की बात कह देना, और यहाँ पर वही जिक्र जो है राकेश टिकैत जी करते हुए नजर आए जिसमें मोहम्मद शमी का नाम ज्यादा आ रहा है। मोहम्मद शमी को टारगेट किया उन 11 प्लेयरों में, क्यों ऐसा क्यों, क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, उसको इसलिए टारगेट किया गया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, इसलिए टारगेट किया गया। जब 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो एक व्यक्ति पर टारगेट क्यों? अगर तुम इसकी गहराई में जाओगे, इसकी सच्चाई देखोगे, तो ये मैच फिक्स था और इसको फिक्स किया था हमारे गृह मंत्री के बेटे जो BCCI के सचिव हैं, उसने किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी को तोड़ने के लिए इस आंदोलन पे सारी। अगर जो काम कोहली ने किया है उस मुस्लिम खिलाड़ी का ऐसा है, और अगर ये काम शमी कर देता तो शायद अब तक ये जो अंधभक्त हैं उसका घर भी जला देते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। हरेंद्र ताऊ हमारे साथ हैं, और अभी अभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी की स्पीच हुई है और उसके बाद हम सीधे इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, इस आंदोलन से हटके भी दो तीन सवाल हैं जो राकेश टिकैत जी ने यहाँ पर उठाए, एक एक करके उन पर बात करूंगा। सबसे पहले हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पहले भी होते रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल ये चीज़ें रहती हैं, लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं अपनी टीम से कि हमारी टीम जीते, और इस बार पहली बार वर्ल्ड कप में जो है भारत को हार का सामना करना पड़ा। आलोचना तक तो ठीक है, लेकिन आलोचना उस लेवल की देशभक्ति पर सवाल खड़े करना, पाकिस्तान भेज देने की बात कह देना, और यहाँ पर वही जिक्र जो है राकेश टिकैत जी करते हुए नजर आए जिसमें मोहम्मद शमी का नाम ज़्यादा आ रहा है। मोहम्मद शमी को टारगेट किया उन 11 प्लेयरों में, क्यों ऐसा क्यों, क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, उसको इसलिए टारगेट किया गया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, इसलिए टारगेट किया गया। जब 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो एक व्यक्ति पर टारगेट क्यों? अगर तुम इसकी गहराई में जाओगे, इसकी सच्चाई देखोगे, तो ये मैच फिक्स था और इसको फिक्स किया था हमारे गृह मंत्री के बेटे जो BCCI के सचिव हैं, उसने किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी को तोड़ने के लिए इस आंदोलन पे सारी, कहीं चले जाओ इस आंदोलन पे। और जो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मैं कहता हूँ हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। जो अभी तक नहीं हुआ मोदी ने आज मैच में भी करा दिया। वो दल्ले पत्रकार कहाँ हैं जो के जिन्होंने लिखा था मैच से पहले कि इस मैच को मोदी जी जिताएंगे? पर ये इतना गंभीर आरोप आप बिना सबूतों के लगा दे रहे हैं। हार और जीत ये गेम का एक हिस्सा है, खेल का एक हिस्सा है, जरूरी नहीं कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो हर एक मैच जीते। मैं किसी तो को आप ये कैसे कह देते हैं कि ये जो है जय शाह के द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं? देखिए, एक चीज है, ये माइक है, पत्रकारिता आप करके आए हैं, आप पत्रकार अच्छे हो सकते हैं, मैं नहीं। तो अगर मुझे ये दोगे अपना माइक तो मैं क्या पत्रकारिता करूंगा? वो जय शाह हाई स्कूल फेल लड़का और BCCI का सचिव बना बैठा है। इसमें फिक्स करने वाली बात कहां से आ गई? पैसा 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 कैसे हुआ? 50,000 रुपया एक साल में 80 करोड़ कैसे होता है? वो ऐसे होता है, पूछो जैसा से कैसे हुआ। तो ये होता मैच, और BCCI जो है ये वर्ल्ड की सबसे धनी संस्था है, और इस धनी संस्था का अध्यक्ष एक हाई स्कूल फेल, क्या भारत में क्रिकेटर नहीं है? कैसे शमी को टारगेट कर दिया? वही शमी है जिसने हमारे देश को बार बार हारने से बचाया, और अगर एक मैच वो हार गया, देखिए अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी कप्तान को है, अगर मैच हारे हैं तो कप्तान की वजह से हारे हैं, उसे कैसे कह दोगे? नहीं, पूरे 11 खिलाड़ी जो होते हैं टीम में उनका एफर्ट्स होता है जिसकी वजह से टीम हारती या जीतती है, ठीक है। वहां पर भी जो टारगेट किया गया वो सब लोग नहीं है, सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स हैं, चंद लोग हैं, उनकी वजह से आप पूरे टीम को या पूरे BCCI को कैसे निशाना बना सकते? जो ट्रोलर हैं वो 2-2 रुपए के ट्रोल वो हैं एजेंट BJP के, और उनको हमेशा पाकिस्तान दिखाई देता है क्योंकि पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार रहते हैं BJP और RSS वालों के। अगर जो काम कोहली ने किया है उस मुस्लिम खिलाड़ी का ऐसा है, और अगर ये काम शमी कर देता तो शायद अब तक ये जो अंधभक्त हैं उसका घर भी जला देते। इनको इतनी तमीज नहीं है।
पर आप ये तो कह सकते हैं ना कि खेल की एक स्प्रिट होती है, हारना जीतना अलग है, लेकिन आप जो है व्यक्तित्व आपका ऐसा होता है कि आप हारे जीते आप मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। देखिए खेल का हिस्सा है वो, इस देश का नाश करा है 56 ने, बाबर आजम का जर्सी का नंबर है तो 56, अरे 56 इंची छाती है, मैं तो अपने देश की बात कर रहा हूँ, 56 इंची छाती, देश का नाश, मैच का नाश, क्योंकि उसने अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी, देखिए जो अच्छा खेलेगा जीतेगा वो, हो सकता है उस दिन नहीं चला इंडिया का काम, हार गए फिर खेल लेना। हाँ ये बात आपकी सही है, खेल लेना, ये बात आपकी सही है कि 11 के 11 ने अगर गलत किया, मैं तो जो बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि एक उस समी की क्या गलती है, गलती बताओ, सब 11 ने अच्छा नहीं किया इसी वजह से हमारी टीम जो है। क्या वो अकेला बॉलर था, कोई और देश में बॉलर नहीं था, उस 11 की टीम में बॉलर तो होंगे 4-5, तो जब कोई से को भी विकेट नहीं मिला तो वही क्या कर लेता, और बैट्समैन कहाँ थे, रन नहीं बनाए, तो हो सकता है उस दिन इंडिया का दिन नहीं था, हार गए। एक व्यक्ति को टारगेट करना इस देश का दुर्भाग्य है। ये बात बिल्कुल सही है, एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, मेनस्ट्रीम मीडिया में ये मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जीत पर जम्मू कश्मीर में दिखाया जा रहा है कि वहां पर पटाखे फूटे गए, तो वो भी तो गलत है। अगर जम्मू कश्मीर में कौन रहते हैं, सारे मुस्लिम ही रहते हैं? नहीं नहीं, हमारे देश के देशवासी हैं, हम तो देशवासी के नजर से ना, ये तो मुस्लिम मान लेंगे, कहीं कोई पटाखा नहीं फूटा, सब इस सरकार की नाकामी है, और सब ये धन जो सरकार जहाँ जहाँ नाकाम हो रही है उस पे से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा कार्य किया गया, कुछ नहीं हुआ, देश की जनता पहले जैसे थी वैसे ही है, लेकिन वही है ना, देश में काम तो आपने कुछ किया नहीं, अब चुनाव तुम्हारे सर पे हैं, तो देश की जनता को किस लिए कैसे भटकाओगे, कैसे तोड़ोगे, तो उसे फिर जो जातिवाद धर्मवाद पे लाओगे, इनके पास कोई काम नहीं है, देश की जनता अपनी जगह खुश है। बताओ ये चीज तो गलत है ना, अब खेल भी क्या राजनीति का हिस्सा बन जाएगा, राजनीतिक लोग जो हैं वो इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं वहां तक ठीक है, आप आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर खेल को राजनीति में जोड़ा जाए तो गलत मैसेज जाएगा, खेल खेल की भावना से देखना चाहिए। खेल भारत के अंदर खेल खेल नहीं है, भारत के अंदर खेल राजनीति है, बताइए खेल के कौन से पद पर राजनीतिक नहीं बैठे, बताओ एक भी पद बता दो मुझे, अरुण जेटली कौन सा क्रिकेटर था, वो कैसे अध्यक्ष बन जाता, उसके नाम पे ये स्टेडियम कैसे बन गया दिल्ली का, फिरोज शाह कोटला कैसे बना, अगर बनना था तो दिल्ली के किसी क्रिकेटर के नाम पे होना चाहिए था, क्रिकेट के बीसीसीआई का सचिव कौन बनना चाहिए था, क्रिकेटर भाई, जो जैसी संस्था है। नहीं तो अब वही बात आ रही है ना, ठीक है आप आलोचना कर सकते हैं, आप आलोचना करिए, लेकिन आलोचना में आप कुछ भी थोड़ी ना कह देंगे, आप ये थोड़ी ना कह देंगे कि मैच फिक्स था, तो बड़ी बात हो गई, और फिक्स तो था ही, ये फिक्स नहीं है, वो उसका बेटा करने क्या गया, वहां पैसा कमाने गया बीसीसीआई में, और क्या करने गए, क्रिकेटर को क्यों नहीं बनाया, बस बात खत्म, यहीं लगा ले, अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम ही बनोगे इंजीनियर, अगर मुझे इंजीनियर बनाओगे तो बिल्डिंग गिरेगी, मानोगे, ABCD मैं जानता नहीं, और मुझे जो तुम जो है प्रोफेसर बनाओगे तो मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊंगा, बताओ, ठीक है, ध्यान लगाओ। आगामी मैचों में आप अपनी टीम को सपोर्ट करें क्या लगता है? देखिए ये 11 प्लेयर खेले, 11 भारत के थे, 11 पाकिस्तान के थे, हारे 11 लोग हैं, जीते 11 लोग हैं, तो हिंदुस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत गया, कैसे हो जाएगा, अरे 11 खिलाड़ी हारे हैं, ये है सारा खेल, देश को तो रिप्रेजेंट, क्या देश को रिप्रेजेंटेड करते हैं, ये जो ये 70% जनता जो किसान बिरादरी से बिलोंग करती है सारी सड़कों पे पड़ी है, क्या सुना आज देश के प्रधानमंत्री ने, जिस देश का गृह मंत्री अपराधी हो, जिस देश का गृह राज्य मंत्री अपराधी हो, उस देश में तुम क्या मानते हो, बताओ, जो चाय बेचते बेचते देश को बेचने लगा उसका क्या काम है, तभी तो मैं कहता हूँ वही शेर, वो शेर नहीं कविता, वो है कविता,
कि जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, ये पुलिस वाले मिलिट्री वाले संतरी हैं बेचारे, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो अपराधी माफिया वो भारत की संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी घरवाली छोड़ दे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हरेंद्र ताऊ थे, आलोचना कर रहे हैं उन जो जिन्होंने ट्रोल किया है मोहम्मद शमी को लेकर और क्रिकेट में राजनीति को लेकर इन्होंने कहा, और बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया कि मैच पूरी तरीके से फिक्स था। यहाँ पर आरोप ये भी लगाया, सवाल खड़ा करा कि आखिर जय शाह जो है सचिव क्यों बनाए गए। कैमरामैन इम्तियाज के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली।